राहुल गांधी को राहुल कस्वा जी कहते थे, ये पप्पू है, इनके पास कुछ है नहीं, और मोदी जी हैं तो सब कुछ है। पार्टी का विशेष निर्णय था, इसके हिसाब से टिक कटा है। आज समाजवादी बात करते हैं तो क्या बलराम जाखड़ जाट नहीं था? क्या अडारसाण जाट नहीं है? जयरानी जाट नहीं थे? वो जो भट्टी बुझ गई उसमें जाने से कोई होता नहीं है। विधानसभा चुनावों का साल है और जाट राजपूतों के प्रभाव वाली सीट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चूरू लोकसभा सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने दो बार के सांसद का टिकट काट कर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट सौंप दिया और इससे नाराज होकर के राहुल कस्वा ने पार्टी से बगावत कर दी और इसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पर अब चूरू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल कस्वा अपने टिकट कटने का कारण बार बार राजेंद्र राठौड़ को इनडायरेक्टली रूप से बता रहे हैं और बार बार उन्हें लेकर कई बड़े बयान भी दे रहे हैं। राहुल कस्वा के इस कदम के बाद चूरू की राजनीति अब उफान पर है और अब राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वा के समर्थक भी आमने सामने हो गए हैं। हाल ही में चूरू विधानसभा से विधायक हरलाल सहारन का बयान भी सामने आया है जिसमें वे राहुल कस्वा पर जमकर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल कस्वा अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राजेंद्र राठौड़ को बदनाम कर रहे हैं। आप भी सुनिए कि हरलाल सहारन ने क्या कुछ कहा। मैं कहना चाहूंगा कि जो कल तक मोदी मोदी करते थे, मोदी मोदी करते थे, वो आज राहुल राहुल करने लग गए, ये अवसरादी चलेगा नहीं। मैं कह सकता हूं कि एक जाति से राजनीति में कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी अगर राहुल कस्वा कांग्रेस में गए हैं, कल तक कांग्रेस के राहुल गांधी को राहुल कस्वा जी कहते थे, ये पप्पू है, इनके पास कुछ है नहीं, और मोदी जी हैं तो सब कुछ है। और आज नहीं, कल नहीं, परसों, पांच दिन पहले यहां एक लोकार्पण हो रहा था, मेरी विधानसभा थी, उस दिन कह रहे थे कि मोदी जी जिन्होंने जो विकास किया है वो कर नहीं सकता। आज वो कांग्रेस की झोली में गए, वो जो भट्टी बुझ गई उसमें जाने से कोई होता नहीं है। और आप सबको पता है कांग्रेस का जो गठबंधन था वो भी टूट गया, बिहार में टूट गया, पश्चिम बंगाल में टूट गया, और बदती हुई भट्टी में जाने से कुछ नहीं बटेगा। एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कोई करता है, हम उसके साथ कभी नहीं है। पहले अगर राहुल कस्वा लड़े थे, रामसिंह कस्वा लड़े, चुनाव यहां से लड़े हैं, ये पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी, मैं जब बचपन से जब पंचायत समिति सदस्य था उससे देख रहा हूं, कम से कम 25 साल का सफर तो मेरा हो गया। मैंने कभी राठौड़ साहब के बारे में और राम सिंह के बारे में, ये दोनों की जोड़ी कैसी थी, क्या थी, जिस दिन आपको बनना था ना उस दिन राठौड़ साहब सामंतवादी नहीं थे? आज सामंतवादी बात करते हैं तो क्या बलराम जाखड़ जाट नहीं था? क्या अडारसाण जाट नहीं है? जयरानी जाट नहीं थे? और ढुकिया जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दी तारनगर से, वो 5000 में सिमट जाता है, लोगों को असुरवादी कहते हैं। पार्टी ने निर्णय किया है, वो सोच समझ किया है, एक कारण नहीं, दो कारण नहीं, 10 कारण होंगे, क्या कारण होंगे हमारा पता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ टिकट काटने का आरोप लगा रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, और मेरा दावा है कोई राजेंद्र राठौड़ ने टिकट नहीं कटाया, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है, सर्वे के आधार पर किया है। और एक बात और कहते हैं राहुल जी, सब विधायकों ने लिख के दिया है, आपके पास कोई प्रमाण दीजिए, कोई विधायकों ने लिख के दिया है, पार्टी का विशेष निर्णय था, इसके हिसाब से टिकट कटा है।